हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी ब्लॉगर पूजा शर्मा। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 का और आज है थर्सडे और मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की क्लीनिंग। तो सोचा मैं ब्लॉग भी अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आज थर्सडे है तो आज ज़्यादा काम तो होता नहीं है करने के लिए, क्योंकि ना तो हम आज कपड़े धो सकते हैं और ना ही हम आज पोछा लगा सकते हैं। तो फिर मैं कर रही हूँ अभी फ्रिज अपना साफ़। तो पहले तो जो भी फ्रिज में सामान पड़ा है, जैसे पानी की बॉटल्स होगी, सब्जियां वगैरह होगी, वो मैं बाहर निकालूँगी और फिर मैं इसके बाद फ्रिज साफ़ करूँगी। तो फ्रिज साफ़ करने से, जब भी आपने फ्रिज साफ़ करना हो तो आप उससे 15-20 मिनट पहले है जो है फ्रिज को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप फ्रिज साफ़ कीजिए। तो मैं भी बस अब फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं एक सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी ये हम रोज़ रोज़ तो साफ़ कर नहीं सकते फ्रिज, तो हफ्ते में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। और वैसे भी फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा सामान भी नहीं होता इसमें, क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो दो लोगों के लिए तो सब्जियां भी थोड़ी सी होती है और 2-3 पानी की बॉटल्स होती है और जैसे दूध लस्सी वगैरह वो सिर्फ होता है इसमें। तो चलिए मैं फ्रिज साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलूंगी। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में और टाइम हो गया है शाम का 7:30 का। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू के परांठे। आई नो कि रात को आलू के परांठे कौन खाते हैं, बट यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है। आजकल ना बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू के परांठे बनाए जाए। तो चलिए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मुझे पता है आपको आलू के परांठे बनाने आते ही होंगे, बट मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने 4-5 आलू को धो करके जो कुकर में डाल दिया गैस पे उबलने के लिए। फिर तब तक मैं आटा लगा लूँगी और ये मैंने आटा निकाल दिया है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। और अजवाइन और कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना परांठों में बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इससे। और मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है और अब मैं आटे को गूंद के तैयार कर लूँगी। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो भी हमने इसमें डाला है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम आलू का जो है वो पेस्ट मसाला तैयार कर लेंगे
और जब भी आप आलू के परांठे बनाते हैं तो आप आलू को उसी टाइम उबलने के लिए डालिए जब आपको बनाने हैं जिस टाइम। अगर हम 2 या 3 घंटे पहले आलू को उबाल के रखेंगे तो फिर उससे जो है वो आलू में पानी आ जाता है और आलू बहुत ज़्यादा जो है वो पतले हो जाते हैं। तो मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए, जैसे मसाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं परांठे बनाने। तो इसके लिए जो है मैंने वो एक रोटी, पहले आपको एक रोटी को बेल लेना है थोड़ा सा, फिर उसमें मसाला जो है वो डाल लेना है और उसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है ताकि उसमें से आलू जो है वो बाहर ना सके। और फिर आपको इसको हल्के हल्के हाथों से मतलब चलाना है बेलन को इस पर, ताकि आलू जो है बाहर ना निकले। और फिर उसी तरह से दूसरी बार, फिर उसके बाद आप इस पे घी लगा दीजिए। आप जो भी लगाना चाहते हैं, घी, रिफाइंड या बटर, जो आपका मन करे। मैं इसमें घी लगा रही हूँ। तो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब बारी आ गई है आपको बाय बोलने की, इस वीडियो को यही एंड करने की। और ये वीडियो कल शाम से लेके बन रही है तो फिर सुबह मैं इसका एंड करना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया। और याद कैसे नहीं आता भाई, अब काम शुरू कर दिया है तो फिर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, याद तो लाना ही पड़ेगा ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और फिर मैं आपसे नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।